गुड आफ्टरनून। आज हम पाठ तीसरा पढ़ेंगे, उसका नाम है योग्य चुनाव। किताब निकालो, पेज नंबर पन नंबर 5। योग्य चुनाव, चुनाव आपको पता है ना, तो चयन करना। अब ये जो पाठ है इसमें एक राज्य है, वो राज्य में किसी योग्य मंत्री की आवश्यकता है। मंत्री का पद जो होता है वो खाली है, उसके लिए योग्य मंत्री की आवश्यकता है। और उसके लिए बहुत सारे उम्मीदवार आते हैं, युवक आते हैं, सबको लगता है कि मेरा मंत्री पद के लिए चयन होना चाहिए, इसलिए बहुत सारे युवक आते हैं। और वो राज्य का पुराना जो मंत्री होता है उसका नाम है जगत राम, वो बूढ़ा हो जाता है, तो राजा उनको बोलता है कि आपके जैसे कोई अच्छे इंसान की इस पद के लिए मुझे चुनाव करके दो। अब ये जो है ये कर्मवीर नाम के लड़के का चुनाव करता है, क्योंकि उसमें मंत्री पद के लिए आवश्यक जो भी गुण होते हैं वो सब गुण वो लड़के में, युवक में होते हैं। अभी ये पाठ हम देखते हैं, स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। देखो, मैं जब पढ़ती हूँ तो आपकी उंगली वो लाइन पे चाहिए ताकि आपको भी पढ़ने में आसान हो। राजा मंगल सिंह सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। वो जो मंत्री थे, राजा मंगल सेन नाम का एक राजा था, उसका जो राज्य था उसका मंत्री था जगत राम, पर वो अब बूढ़े हो गए थे, उनकी एज ज्यादा हुई थी। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। वो बोले कि अब मेरे से काम नहीं होगा, अब मुझे इस पद से मुक्त कर दो। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए। वो क्या बोलता है कि मैं आपको तभी अपने पद से मुक्त करूंगा जब आप मुझे आपके जैसा, क्या क्या गुण थे उनमें, क्या गुण थे कि वो सेवाभावी थे, अच्छा काम करते थे, परोपकारी थे, दूसरे का दर्द दुख दर्द समझ के काम करते थे, और ईमानदार भी थे। ईमानदारी तो बहुत अच्छा एक गुण इंसान में होता है जो इंसान को बहुत बड़ा बना देता है, तो वैसे वो ईमानदार भी थे। तो राजा बोलता है कि आपके जैसा ये गुणों से, ये गुण जिसमें हो, ऐसे युवक का आप मुझे चुनाव करके दो और बाद में मैं आपको सेवा मुक्त करता हूँ। तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है, तब तक आप ही को काम करना पड़ेगा, और जब आपके जैसा कोई युवक चुन के मुझे मंत्री पद के लिए लेके आओगे तब मैं आपको सेवा मुक्त कर दूंगा। जगत राम ने आदेश दिया, हुक्म किया उसने, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो। अब ढिंडोरा पिटवा दो मतलब सब जगह बता दो। आपको ये कहावत पता है, बगल में बच्चा गांव में ढिंडोरा, मतलब सब जगह ढूंढना है ना, इसका मतलब होता है कि जो चीज अपने ही पास है उसको हम अपने पास देखते नहीं, पूरी जगह ढूंढ के आते हैं, अरे मिलती नहीं, लेकिन वो चीज आपके पास होती है। लेकिन ये ढिंडोरा वर्ड के लिए मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये पूरे गांव में आप बता दो। अभी जैसे बताते फोन कर देते हैं हम लोग, वैसे पुराने जमाने में नहीं होता, तो एक बड़ा सा ड्रम रहता है बजाने वाला, जिसको जोर जोर से पीटते हैं, तो लोगों को समझ में आता था कि अरे कोई तो भी कुछ बताने वाला है, इसलिए उसके आजू बाजू में बहुत सारे लोग जमा होते थे, और फिर वो इंसान बताता था कि किस चीज के लिए ढिंडोरा पिटा जा रहा है। दो की ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। कौन सा ढिंडोरा पिटवाना था कि राज्य में नए मंत्री का जो चयन होने वाला है
वो अगले गुरुवार को किया जाएगा। वैसे मतलब जैसे इंटरव्यू है कोई पोस्ट के लिए तो लोग डेट पढ़ लेते हैं कि हाँ इस दिन मुझे जाना है, वैसे वो बता देते हैं कि जिनको इस चुनाव में हिस्सा लेना है उनको गुरुवार को यहाँ आना है। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे, टाइम भी बताया उसने कि गुरुवार को 11 बजे जिनको इस चुनाव में हिस्सा लेना है, मतलब जो इस पद के लिए काबिल खुद को समझता है वो सब 11 बजे राज दरबार में आ जाएंगे। हरकारे गांव गांव ढिंढोरा पिटने लगे, तो ये जो बताने वाले हैं, ढिंढोरा पिटने वाले उसको बोलते हैं हलकारा। चयन वाले दिन राजदरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सबको ऐसे लगता था कि ये मंत्री पद मुझे मिलना चाहिए। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे, आजू बाजू के गांव से राज्य से लोग आ रहे थे और वो दरबार राजदरबार की तरफ जा रहे थे। सैकड़ों में मतलब बहुत सारे नवयुवक जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था, वृद्ध मतलब बूढ़ा इंसान, मुंह लटकाए बैठा था, कोई चिंता में था वो और वो बैठा था। कहाँ बैठा था? जिस रास्ते से ये युवक राजदरबार की तरफ जा रहे थे उसी रास्ते पे एक बूढ़ा इंसान कुछ चिंता में बैठा था, हताश निराश बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। क्यों बैठा था वो? वो तो बूढ़ा था, उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो फंसा हुआ पहिया बैलगाड़ी का खींच के वो बाहर निकाले। तो वो अब क्या होगा ये मेरी गाड़ी, कि कौन मेरी हेल्प करेगा, इस चिंता में वो वहां बैठा था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, सिर्फ नहीं बैठा, पहले उसने कोशिश भी कर ली, लेकिन उसमें समझ में उसके समझ में आया कि अब ये मेरे ताकत वाली बात नहीं है, मेरे से ये पहिया नहीं निकलेगा। कोशिश जरूर की पर असफल रहा, उसमें वो सफल नहीं हुआ, पहिया बाहर नहीं निकला। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। जो वृद्ध था वहां से तो युवक जा ही रहे थे, क्योंकि आज क्या था राजदरबार में, क्या था, मंत्री पद का चुनाव था, उसमें हिस्सा लेने के लिए बहुत सारे युवक उस रास्ते से जा रहे थे, लेकिन किसी का भी ध्यान वो वृद्ध की तरफ नहीं गया और किसी ने भी ऐसे नहीं सोचा कि मैं कुछ उसकी मदद कर दूं। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर, जो सब जा रहे थे उसमें एक जो नवयुवक था उसका नाम था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। निर्धन परिवार का मतलब गरीब घर का वो लड़का था, लेकिन प्रतिभाशाली था, बहुत होशियार था, उसकी बुद्धि अच्छी थी, लेकिन उसकी जो परिस्थिति है वो गरीब था, वो पैसे नहीं थे उसके पास। वह तेजी से राजदरबार की ओर जा रहा था, उसने भी सोचा कि ये तो यहाँ तो अपनी बुद्धि की परीक्षा होगी, तो मैं तो बुद्धिमान हूँ, पैसा नहीं तो क्या हुआ, मैं भी वहां जा सकता हूँ, तो वो भी जल्दी जल्दी राजदरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। जब वो वहां से गुजर रहा था, जा रहा था, तब उसने देखा कि एक वृद्ध कीचड़ में फंसे अपने गाड़ी का पहिया निकालने की कोशिश कर रहा है। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। उसने क्या देखा, ये सोचा ही नहीं उसने कि अरे मैं यहाँ रहूंगा तो उधर मेरा नाम मतलब मेरा नंबर आ जाएगा, तो मैं
फटाफट पहले राज दरबार जाके आता हूँ, ऐसे नहीं सोचा उसने। उसने क्या देखा कि ये मुसीबत में है और इसकी सहायता करनी चाहिए। वो फटाफट कीचड़ में उतर गया। कीचड़ मतलब पता है ना, मिट्टी में जब पानी गिरता है तो वो जो चिपका चिपका सा ऐसी मिट्टी हो जाती है, चिपकती है कपड़ों में, पैरों में, जूते में, तो वो कीचड़ वहां था, उसमें वो उतर गया। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। उसने बहुत ताकत लगाई अपनी, जोर लगाया और जो फंसा हुआ पहिया था बैलगाड़ी का वो बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। तो वो बूढ़े जो इंसान थे उनको बहुत अच्छा लगा कि देखो इतने लोग यहाँ से, इतने युवक जा रहे हैं, लेकिन किसी का ध्यान मेरी तरफ नहीं गया, लेकिन इसने मेरी, मैंने तो बोला ही नहीं था, लेकिन इसने मेरी सहायता की। तो उसने उसको अच्छे से आशीर्वाद भी दिया और इनाम के तौर पर कुछ पैसे देने के लिए उसने देने की मतलब दिए उसको। तो उसने क्या किया, विनम्रता पूर्वक उसका उसको मना कर दिया कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये तो मेरा काम ही है, ऐसे कुछ बोला होगा उसने कि नहीं मैं आपके पैसे नहीं ले सकता। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। अब उसको ध्यान आया कि अरे मैं कहाँ जा रहा था, मैं तो काम के लिए जा रहा था, चुनाव था मंत्री पद का, इसलिए मुझे जाना था, अब तो मुझे देर हो गई। फिर वो भागते दौड़ते दरबार पहुंचा। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। अब वो कीचड़ में उतरा था, वहां उसने क्या नहाया धोया थोड़ी हुआ, वैसे ही वो दरबार गया, तो उसके कपड़े कीचड़ से भरे हुए थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे, और जो बाकी अच्छे कपड़े पहन के बड़े बड़े घर के नवयुवक थे, तो उनके कपड़े भी अच्छे थे, और वो तो बिल्कुल सीधा घर से नहा धो के पाउडर वाउडर लगा के सब राज दरबार गए, वो तो साफ सुथरे और अच्छे दिख रहे थे, और इसको इसके कपड़े कीचड़ में, इसके कपड़े को पूरा कीचड़ लग गया था, और फिर भी ये भागते दौड़ते राज दरबार पहुंच गया। उसकी तरफ देख के वो जो नजारा था, कपड़े पे पूरा कीचड़ लगा हुआ है, उसको पसीना आया है, तो वो देख के सब उसकी तरफ देख कर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा, और वो जिसकी बैलगाड़ी का फंसा हुआ पहिया युवक ने निकाला था वो भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। कौन थे जगतराम? कौन था वो? राजा का पुराना मंत्री था। तो राजा ने कहा, क्या कहा था, कि आप ही मुझे आपके जैसा नया मंत्री ला दो, फिर मैं आपको सेवामुक्त करूंगा। तो वो युवक की परीक्षा लेने के लिए जानबूझ के वहां बैठे थे, बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंसा दिया और वो बैठ गए। किस लिए? योग्य उम्मीदवार का चयन उनको करना था, इस पद के लिए कौन लायक है, कौन परोपकारी है, कौन एक दूसरे की सहायता करता है, ऐसा ही इंसान उनको मंत्री पद के लिए चाहिए था। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज कर्मवीर में वे सारे गुण है जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है ना। उसने मुसीबत में फंसे हुए वो बूढ़े की सहायता की थी, और इस पर से उसका जगतराम ने चयन कर दिया, और महाराज को भी बताया कि देखो मैं ऐसे ऐसे मेरे गाड़ी का पहिया फंसा था और ये युवक ने मेरी सहायता की और वो पहिया निकाल दिया। तो ये मतलब मंत्री बनेगा तो अपने राज्य के जो लोग होते हैं उनकी उनके लिए वो अच्छा काम करेगा, उनके मुसीबत में सहायता करेगा। ये सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है ना, वो बूढ़ा तो उसका कोई रिलेटिव नहीं था, कोई जान पहचान वाला नहीं था, फिर भी एक सामान्य बूढ़े इंसान की उसने सहायता की। तो ये राजा क्या बोलता है, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के
ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। लोगों की पीड़ा, लोगों से सहायता करनी चाहिए, लोगों की पीड़ा समझनी चाहिए और वो उनके दुख दर्द दूर करने की कोशिश उसने करनी चाहिए। ऐसा ही व्यक्ति किसी बड़े पद पर काम कर सकता है तो अधिकारी होता है। तो ये मंत्री पद के लिए ये उसका चयन राजा कर देता है। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। तो देखो उसने, राजा ने उसके कपड़े देखे क्या? नहीं देखे, नहीं तो अरे कीचड़ के कपड़े है, नहाया धोया नहीं है, पसीना आया है, इसको हटा दो, बाहर निकाल दो, ऐसे राजा ने भी नहीं किया। और जगत राम ने उसकी परीक्षा अच्छे से ली, उसका चयन अच्छे से किया। और फिर ये जो राज्य था, क्या नाम था राज्य का? राजा का नाम था मंगलसेन। तो ये मंगलसेन राजा के राज्य को एक अच्छे मंत्री का, एक अच्छा मंत्री मिला। तो ये अच्छी स्टोरी है, आपको एक बार पाठ पढ़ना है, ठीक है, जोर से पढ़ना ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन, आजू बाजू में जो भी आपके मम्मी पापा दीदी भैया होंगे तो उनको समझ में आएगा कि आप अच्छे से पढ़ सकते हो कि नहीं। उसको बोलते हैं फिर जोर से पढ़ने के लिए प्रकट वाचन। तो आपको ये प्रकट वाचन करना, ठीक है, पार्ट 3 अच्छे से पढ़ना। इसके बाद वाले पीरियड में मैं आपको इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगी। और बूंदे, ये जो कविता है उसको आपने लर्न किया होगा, लेकिन रोज एक बार बोलना है, ठीक है, बाय।